सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की मंत्री राधा सिंह पर आरोप लगाया है, जिस पर भाजपा नेता वशिष्ठ पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिंगरौली जिले के दुरदुरा गांव में 3 दिन पहले लाले बंसल नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले का पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर आरोपी अभिषेक पांडे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हत्यारे को रिवॉल्वर का लाइसेंस मंत्री राधा सिंह ने दिलवाया है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस समय आरोपी की रिवॉल्वर का लाइसेंस जारी हुआ, उस समय राधा सिंह ना तो विधायक थी और ना ही मंत्री। राधा सिंह का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वशिष्ठ पांडे ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि ये लाइसेंस कब जारी हुआ, जब राधा सिंह ने विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 22/9/2023 में प्रशासन द्वारा उनको लाइसेंस स्वीकृत हुआ। उस समय पर राधा सिंह जी ने न विधायक थी और न मंत्री थी, इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठों को किसी पर आरोप लगाते रहते हैं, उनके पास तो कुछ है नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।